तो लेट अस स्टार्ट विद दिस केस स्टडी। दिस इज द फेलियर एनालिसिस ऑफ ए गैस टरबाइन इंजन, ठीक है ना। द सेकेंड फेलियर एनालिसिस दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस मॉड्यूल। जेट इंजन्स दे आर द ड्राइवर्स ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। जो एयरलाइंस की हिस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट एक सदी की है, और किसी न किसी फॉर्म में जेट इंजन्स दे एंटर्ड इनटू दिस फील्ड ऑलमोस्ट ऑफ दिस एट द सेम पीरियड। तो बिफोर कमिंग टू द फेलियर एनालिसिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ गैस टर्बाइन जेट इंजन्स, एंड मोर स्पेसिफिकली सिंस द एक्सीडेंट वॉज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पार्ट विल एम्फेसाइज टू दैट पार्ट विच वॉज द सस्पेक्टेड कॉज ऑफ एक्सीडेंट विच वॉज द कंप्रेसर रीजन। इस एक्सीडेंट में ये हुआ था कि एयरक्राफ्ट ने विद इन फ्यू मिनट्स, 14 मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ, ये एक्सीडेंट हो गया, और जो ज़मीन पे इसका मलबा गिरा, इसका मेन पार्ट, जहाज का मेन पार्ट, वो ज़मीन पे गिर के उसने आग पकड़ ली। चुनाचे जो कुछ भी फ्यूल के साथ चीज़ें फ्यूल टैंक्स के साथ गिरी थी वो सब की सब वो इफेक्ट हुई फ्रॉम द सबसिक्वेंट डैमेज, जो आग का डैमेज था। लकीली ये हुआ कि 16 ब्लेड्स, टर्बाइन ब्लेड्स, 16 थर्ड स्टेज रोटर ब्लेड्स थे, टर्बाइनी रोटर ब्लेड्स थे फ्रॉम कंप्रेसर रीजन, वो पहले डिटैच हो गए। अच्छा, पहले डिटैच होने का मतलब ये कि वो ज़्यादा हाइट पे डिटैच हुए। जो चीज़ पहले डिटैच होती है उसमें एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वो जो ज़मीन पे गिरने का इम्पैक्ट है वो उसका नतीजा नहीं है, वो हादसा वो था जो इम्पैक्ट से पहले ही वो अलग हो चुकी। तो पहले डिटैच हो और हाइट पे डिटैच हो तो क्या होगा कि वो मेन रैकेज से दूर कहीं मिलेगी, और दूर मिलेगी तो एडवांटेज एक ये है कि उसने आग नहीं पकड़ी होगी। 16 ब्लेड थे ऐसे, थर्ड स्टेज रोटर ब्लेड्स, जो कि पहले डिटैच होके मेन रैकेज से दूर मिले और वो उनको आग नहीं लगी थी। दैट वॉज ए कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ फेलियर एनालिसिस, उन्होंने आग नहीं पकड़ी। इसी तरह कंप्रेसर केसिंग, हम देखेंगे केसिंग क्या होती है, लेकिन ये आउटर शेल होता है कंप्रेसर रीजन का, जिसके अंदर रोटर और स्टेटर होते हैं, और रोटर में रोटर ब्लेड्स होते हैं। तो जो जिस चीज़ ने इस चीज़ को एनकेस किया हुआ था इन रोटर ब्लेड्स को अलॉन्ग विद द रोटर, वो भी ऐसे थे, उनका एक हिस्सा जो था वो दूर मिला और उससे आग उसने नहीं पकड़ी। दूसरी आसानी या मुश्किल ये थी कि उसका जो अंदर का हिस्सा था इट वॉज फाउंड फेसिंग द ग्राउंड, उसका रुख जमीन की तरफ था। तो इसमें पॉजिटिव चीज तो ये थी कि जो कुछ भी सब्सिक्वेंट डेब्रे ऊपर गिरा, जो कुछ भी किसी और चीज के गिरने के स्क्रैचेस थे, वो उसकी अंदर की सरफेस पे नहीं आए। जो डिपॉजिट्स थे आग के वो अंदर की सरफेस पे नहीं आए, सराउंडिंग के डिपॉजिट्स होते वो अंदर की सरफेस पे नहीं आए। नुकसान ये हुआ कि जो इनिशियल इम्पैक्ट उसका जमीन पे हुआ था, स्क्रैचेस रेत वेत की वजह से वो उसके ऊपर आए। तो ये दो पार्ट दूर से मिले। इमिजिएटली क्या कंक्लूजन होना था, अलोंग विद अदर इंडिकेटर्स इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सस्पेक्टेड कि फेलियर जो है वो कंप्रेसर रीजन में है और नियर द थर्ड स्टेज रोटर। अब आपके सवाल होंगे कंप्रेसर रीजन क्या होता है, रोटर क्या होता है, रोटर ब्लेड क्या होते हैं, थर्ड स्टेज रोटर ब्लेड क्या होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि क्विकली हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं इंजन की, खुसूसन इस पार्ट, ठीक है ना। ये टर्बो इंजन की तस्वीर है जो आपको यहाँ नजर आ रही है, टिपिकल सी तस्वीर है। ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ से हवा सक्शन होती है और फिर ये हवा पीछे की। ओवरऑल इंजन में ये वाला पार्ट जो है वो इस जगह लगा होता है, ठीक है ना। इसमें से क्या है, पीछे ये
इस जगह से जो फ्यूल जल के और कंबस्टन प्रोडक्ट पीछे से निकलती है, तो उसके नतीजे में ये इंजन क्या होता है, ये इंजन आगे की तरफ पुश होता है और जहाज आगे की तरफ जाता है। ये जो ये आगे एक छोटी सी ये जगह है, इसको डिफ्यूजर कहते हैं, ये जो अंदर की तरफ बेंडेड है और ये डिजाइन पार्ट है, ये कंप्रेसर जैसे हमने कहा, ये इसका कंप्रेसर रीजन है। और यहाँ पर ये जगह वो है जहां से नोजल से फ्यूल इंजेक्ट होता है और ये फ्यूल जो हवा आ रही है उसके साथ जल के कंबस्टन प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर ये पीछे की तरफ जाती है। और यहाँ पर एक टरबाइन लगा होता है, जो टरबाइन इसके जाने से घूमता है और फिर ये कंप्रेसर को भी घुमाता है। पीछे का हिस्सा नोजल कहते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अवर, ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आगे से बड़ा पीछे से छोटा, आगे से बड़ा पीछे से छोटा, ये हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये कंप्रेसर रीजन है। और ये जो लाल सी चीज आपको नजर आ रही है हाई टेम्परेचर पे, ये कंबस्टन इंजन है, इसका कंबस्टन का पार्ट है, कंबस्टन गैसेस पे इंट्रोड्यूस हो रही है और ये हम टर्बाइन का पार्ट है, ये वन ऑफ द डिजाइन्स। हो क्या रहा है, चलता कैसे, चलता वैसे ही जैसे गुब्बारे में हवा भर दें और उसके बाद उसको बगैर पीछे से उसकी डोरी बांधे छोड़ दें, तो क्या होगा, हवा पीछे से निकलेगी, हवा पीछे से निकलेगी और ये गुब्बारा घूमता फिरेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। वैसे यहाँ भी हाल है, ये जो कंबस्टन प्रोडक्ट पीछे से निकल रही है तेजी से, ये जब पीछे से निकल रही है तो एज ए रिएक्शन हमारा ये इंजन आगे की तरफ और इंजन के साथ फिर एयरक्राफ्ट आगे की तरफ, दिस इज रिएक्शन फोर्स इन पीछे से निकलने वाली गैसेस की, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू द जेट ऑफ आउटफ्लोइंग गैसेस। अब ये जितनी तेजी से निकलेंगी उतना रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना, वेरी सिमिलर टू बलून, जैसे हमने देखा जितनी तेजी से निकलेंगे उतना तेजी से आगे चलेगा। तो कमाल क्या है कि इस जेट को तेजी से निकालना, ये कमाल। तो पहला आसान चीज क्या है कि इसको सुराख को यहाँ बड़ा रखें, इसको छोटा रखें, ज्यादा गैस घुसेगी तो ओपनिंग बड़ी है ना, तो पीछे से छोटी जगह निकलेगी तो स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है, ये तो लॉजिकल बात हो गई है कि पीछे जेट की स्पीड तेज हो गई। मजीद ये करें कि यहाँ एक ऐसा एक कंबस्टन इंजन कंबस्टन एरिया इंट्रोड्यूस कर दें कि जो इसको गर्म करे, क्या करे कि फ्यूल यहाँ इंजेक्ट करे, फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट करे छोटे छोटे इन होल्स से, और ये बाहर के जो होल्स हैं यहाँ से एयर इंजेक्ट हो इसमें, तो फ्यूल है वो जल के क्या करे, इस हवा को गर्म कर दे, कंबस्टन प्रोडक्ट का अपना भी वॉल्यूम ज्यादा होगा, मजीद हीट करेगी। तो क्या है, जो पीछे से गैसेस गर्म होके निकल रही हैं, अब इनकी स्पीड और बढ़ गई है, ठीक है, इनकी स्पीड और बढ़ गई है। मजीद कि अगर हम यहाँ कोई ऐसा सिस्टम कर लें कि जो सिर्फ हवा को अपनी मर्जी से सिर्फ सुराख ही ना हो, जो इसके आने में ज्यादा क्वांटिटी को इंटेक करने में मदद कर रहा हो, एक ऐसा पंप लगा दें जो इसको अंदर खींचता रहे, दैट इज द कंप्रेसर, कि वो कंप्रेसर घूम घूम के इसको अंदर की तरफ खींचे, तो कंप्रेस एयर क्या करेगी, इसका इस जगह के ऊपर यहाँ के ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, जो इसकी अपनी आने की काइनेटिक एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी है इस सिस्टम की अपनी, वो कंप्रेसर जो होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर, काम करेगा ना उस पे, दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर। कंप्रेसर अपना जो होगा उसकी साख्त क्या होती है, उसमें जो ब्लेड नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला हिस्सा ब्लेड का है, थोड़ा सा ये शिफ्टेड है, सॉरी इसको मैं सही कर लूं, ये कंबाइंड बेसिकली कि जो ये वाली चीजें जो आगे की तरफ निकली हुई हैं, ये सारे के सारे रोटर्स हैं, ये रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर, ये रोटर है, और इनके दरमियान जो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये रोटर्स के दरमियान खाली जगह है, इसको कहते हैं स्टेटर। स्टेटर
तो ये रोटेटिंग पार्ट रोटर का, जिसमें ये जो जितनी चीजें निकली हुई है ना, ये चीजें जितनी निकली हुई है, ये टर्बाइन ब्लेड्स हैं, रोटर में टर्बाइन ब्लेड्स, ये ब्लेड्स निकले हुए हैं। फिर ये जो आपने, आप क्या चीज ट्रम इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, रोटर हो गया, रोटर के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें ये टर्बाइन ब्लेड्स हैं, ये टर्बाइन ब्लेड्स। ये टर्बाइन ब्लेड्स कैसे लगे हुए होते हैं, ये बेसिकली ये आदमी देखें, ये हाथ से अपने इस ब्लेड को इंसर्ट कर रहा है या निकाल रहा है। ये डव टेल किस्म का ये कनेक्शन है जिसमें ब्लेड स्लाइड इन हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्क। इस डिस्क में ये ब्लेड स्लाइड इन हो जाते हैं। फिर इसके अंदर एक रिंग होती है, जो रिंग गुजरती है, जो कि इसको मजीद फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन स्लाइड होने से बचाती है। तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये रोटर ब्लेड्स हैं ये जो रोटेट करते हैं, और इसके अंदर एक रिंग है जिसको कहते हैं रिटेनिंग रिंग, जो इसको स्लाइड होने से रिटेन करती है। इनके अंदर एक सुराख है, उधर से गुजरती है, इसका स्केच भी देख लेंगे। फिर ये केसिंग के अंदर है, ये केसिंग है और ये इसका स्टेटर पार्ट है, इसका स्टेटर पार्ट है। जब ये रोटेट कर रहा होता है तो हवा भी इसके साथ रोटेट करने की कोशिश करती है। तो हर एक रोटर सेक्शन के दरमियान क्या है, हर रोटर सेक्शन के दरमियान एक स्टेटर होता है, जो कि इसकी जो हवा की रोटेशन है इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि हवा उस डायरेक्शन में आगे जाए जिस डायरेक्शन में सही तरह से वो कंप्रेस हो सके और उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो सके इनटू प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेस करेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ इनकी जैसे जैसे आगे जाते हैं, हम लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं, तो डायमीटर भी हमारा चेंज हो रहा है, इनके स्टेजेस का डायमीटर भी अंदर की तरफ चेंज हो रहा है। डायमीटर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, तो रोटर ब्लेड के मटेरियल भी चेंज होते हैं। जैसे जैसे हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, ज्यादा ज्यादा रिक्वायरमेंट मटेरियल की सख्त होती जाती है। हम अलूमिनियम से स्टील, स्टील से टाइटेनियम की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। रफली क्या है, जो हवा इनटेक हो रही है उसका वही प्रेशर है जो बाहर का प्रेशर है, और वही टेम्परेचर है जो बाहर का टेम्परेचर है। इस कंप्रेसर ने क्या है, कंप्रेस करने के दौरान इस प्रेशर को इंक्रीज कर दिया मैनी टाइम्स, और टेम्परेचर भी इसी कंप्रेशन के प्रोसेस की वजह से इंक्रीज हो गया। ये डिजायरेबल प्रेशर और टेम्परेचर है कंबस्टन से पहले। कंबस्टन को अगर इस प्रेशर टेम्परेचर पे कोई चीज मिलेगी तो बहुत ही इफिशियंटली वो फ्यूल को बर्न करेगा, और फिर जो बर्न होके फ्यूल आगे निकल रहा है अब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। यहाँ जगह तो वही है ना जो यहाँ से और इसके एग्जिट के ऊपर, ऑलमोस्ट इनका प्रेशर वही है लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली ये काम है कंप्रेसर का। आपने कौन सी टर्म समझी, ये केसिंग है जिसके अंदर रोटर है, ये केसिंग है, इसका पार्ट हमें मिला था, ये 16 रोटेड ब्लेड्स इसमें से मिले थे। थर्ड स्टेज का मतलब ऊपर से मैं यहाँ आ जाऊं तो ये तो फैन है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वाले, इसके बाद डायमीटर भी इनका चेंज, थर्ड स्टेज पे डायमीटर चेंज हो जाता है, और रिटेनिंग रिंग इसके अंदर फंसी हुई मिली थी जो कि इनको स्लाइड होने से बचाती है रोटर ब्लेड्स को। इनिशियल डाटा इकट्ठा कर लें, दैट इज इम्पोर्टेंट, और वो क्या था, वो ये कि ये इंजन 50 फ्लाइंग आवर्स चला चल चुका था, विच वाज अ रीजनेबल टाइम। 50 फ्लाइंग आवर्स एक माकूल टाइम होता है फ्लाइट का, ये नहीं कि वो मेंटेनेंस होते ही कोई असला हो गया हो। सिंस लास्ट ओवरहॉल, आखिरी ओवरहॉल के बाद 50 घंटे तक इसने ऑपरेट किया था, और जो आखिरी ओवरहॉल था उसमें रोटर ब्लेड्स जो आपने देखे और जिस जो रिंग इसको स्लाइड होने से बचाती है वो नई लगी थी, वो चेंज हुई, वो नई थी। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि थर्ड स्टेज जो है वो इस इंजन में इज कंसिडर्ड क्रिटिकल, क्योंकि डायमीटर चेंज होता है, जब डायमीटर चेंज हो रहा है तो इट रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर और टेम्परेचर्स भी चेंज हो रहे हैं, और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ब्लेड का मटेरियल भी चेंज हो रहा है। दिस वाज अ क्रिटिकल स्टेज। ये तस्वीर देख लेते हैं, ये टर्बाइन ब्लेड का आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ये टर्बाइन ब्लेड एक है, ये दूसरे की डवटेल है जिसमें स्लाइड होता है, ये तीसरा है, और इनके दरमियान से ये एक रिंग गुजर रहा है जिसको कहते हैं रिटेनिंग रिंग, दिस इज रिटेनिंग, इनको स्लाइड होने से रोकता है। तो जो एक्सीडेंट के बाद इतना पार्ट जो था 3 इंच का पार्ट, ये रिटेनिंग रिंग का, ये भी मिसिंग, ये यहाँ से टूटा कहीं से, और ये वाला पार्ट मिसिंग था। जो अंदर का पार्ट है ये अंदर मौजूद था,
ये अंदर मौजूद था जब इसने इस इलाके में बाद में आग वाग लगी, तो फिर ये इलाका जो था ये उससे इफेक्ट हुआ होगा ऑब्वियसली, उस पर डिपॉजिट्स भी आए होंगे फायर के सारे इलाके। तो ब्लेड्स आर केप्ट फ्रॉम स्लाइडिंग बाय दिस रिटेनिंग रिंग, ठीक क्लियर है ये बात। जो हमें ब्लेड्स मिले उनकी क्या सूरत हाल थी, सस्पेक्टेड कॉजेज ऑफ फेलियर, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसने तीन स्पेसिफिक चीजें उसको ऑड सी नजर आई। पहली चीज ये थी कि जो टर्बाइन ब्लेड्स थे उनमें इस किस्म की कट, लगता ये था कि जैसे कोई स्क्रू इनको छीलता हुआ चला गया हो, तेजी से हाई एनर्जी स्क्रू वो इनको काटता हुआ चला गया हो, ये मिड रिब रीजन था इनका। स्क्रू थ्रेड लाइक कट्स देवर द मार्क्स ऑन वन ऑफ द थर्ड स्टेज ब्लेड्स, एक ऑड सा ऑब्जर्वेशन था। जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये वाला जो पार्ट था रिटेनिंग रिंग का, थर्ड स्टेज का जो रिटेनिंग रिंग था, इट वॉज फाउंड ब्रोकन और ए पीस उसका जो था वॉज नॉट फाउंड, इट वॉज मिसिंग, हमने जैसे कहा कि इसका जो कंप्रेसर केसिंग थी बाहर की, जिसके अंदर रोटर होता है वो केसिंग होती है, उसका एक पीस ऐसा था जो फेसिंग डाउन जमीन पर दूर मिला, तो इसने आग भी नहीं पकड़ी थी, ब्लेड्स ने भी इसमें ब्लेड थे जिन्होंने आग नहीं पकड़ी थी, तो ये मिसिंग पार्ट था, जो अंदर का पार्ट था वही आग से। ये थे सस्पेक्टेड एरियाज। अब इन पे क्या था, इनकी बेसिकली जो कहानी ने चलना था वो इन तीन चीजों के इर्द गिर्द चलना था। कॉजेज क्या हो सकती थी, कॉजेज ये हो सकती थी कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है बाहर का ऑब्जेक्ट वो आया हो और उसने क्या किया हो, हिट किया हो। फॉर एग्जाम्पल इसका एक टर्म इस्तेमाल होती है फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट, कि बाहर से कोई चीज कबूतर सकिन हो गया हो और उसने आके ब्लेड को हिट किया हो, कोई स्क्रू ऐसा हो जो कहीं से निकल आया हो उसने हिट किया हो, तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट ऑन वन ऑफ दीज थर्ड स्टेज ब्लेड्स, जो कि इसमें से एक ब्लेड वो जो 16 ब्लेड्स थे जो अनबर्न रिकवर हुए थे, दूर मिले थे हमको, क्योंकि वो सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले वो अलग हुए सिस्टम से, केसिंग का बाहर की केसिंग टूट गई बाद में, तो वो एस्केप हो गई थी, सो दे वर अवेलेबल विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ फायर। ये फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट में मजीद ये कि इम्पैक्ट किस चीज का हुआ, कि इंटरनल कोई इस लूज स्क्रू था जो निकल आया और इनसे टकराया, या कोई जैसे रिटेनिंग रिंग जो एक पीस मिसिंग था, रिटेनिंग रिंग अगर ये टूट गया किसी वजह से, ये प्राइमरी कॉज थी, फिर ये टूट जाएगा तो क्या होगा, ब्लेड खुद भी स्लाइड आउट हो जाएगा, ब्लेड स्लाइड आउट हो जाएगा तो अब तो मसला शुरू ही हो गया आगे, ये भी रिंग का पीस भी टकराएगा जगह जगह, खुद ब्लेड भी टकराएगा जगह जगह, और इतनी फास्ट रोटेटिंग स्पीड पे जो रोटर चल रहा है, जब ये चीजें टकराएंगी तो वहां क्या होना, कैटास्ट्रोफी तो होनी है। जो इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच थी वो आप पढ़ चुके हैं, वो भी स्टैंडर्ड चीजें थी, ए विजुअल एग्जामिनेशन एंड स्टीरियो माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, सबसे पहले तो आंख से देखना कि क्या सूरत हाल है और उसके बाद माइक्रोस्कोप्स पे चला जाना, स्टीरियो माइक्रोस्कोप पे चला जाना। EDS एनालिसिस ये क्यों करेंगे हम, जहां जहां हमें कोई चीज रगड़ खाई हुई मिली होगी, कोई स्क्रैच होगा, कोई डेंट होगा, हम क्या करेंगे, जो स्क्रैच या डेंट है उस जगह की एनालिसिस करें तो पता चलेगा कौन सी चीज ऐसी थी जिसने यहाँ रगड़ खाई है, स्मेयर हुई है, जो इसमें रगड़ खाने की वजह से जो चीज आके टकराई थी वो अपनी कॉम्पोजिशन के असरात छोड़ गई होगी, तो ये एनालिसिस जो है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स खुसूसन डेंट्स और स्क्रैचेस। फिर फ्रैक्टोग्राफी ऑफ रिट्रीव्ड फ्रैक्चर सर्फेसेस, इसकी फ्रैक्चर सर्फेसेज हमें मिली होंगी, ब्लेड्स की मिली होंगी, ब्लेड टूटे हुए मिले, जो 16 थे ब्लेड वो टूटे हुए थे मिड रिब से, रिटेनिंग रिंग का जो अंदर का हिस्सा था वो आग पकड़ी थी, डिपॉजिट्स भी थे उसके लिए क्या कर सकते थे, जो केसिंग का टुकड़ा टूट के गिरा था उसकी भी फ्रैक्चर सर्फेसेस थी, ठीक है। तो फ्रैक्टोग्राफी सबसे पहले तो अब तीन चीजें हैं, तीनों चीजों के मटीरियल क्लियर कर लें क्या है, क्योंकि स्मेयर जो चीज जिससे होगी वो यहीं से पता चलेगा। जो केसिंग थी इट वॉज ए अलॉय कास्टिंग ऑफ मैग्नीशियम जिंक अलॉय, ठीक ना, ये लाइट अलॉय है, इसकी कास्टिंग रिच इन
मैग्नीशियम एंड जिंक। अगर कोई जगह मैग्नीशियम और जिंक से स्क्रैच रिच मिलेगा तो उसका क्या मतलब है कि इसका टुकड़ा जाके टकरा है। ब्लेड्स, ब्लेड फोर्ज अलूमिनियम एलॉय था, ये फोर्ज अलूमिनियम एलॉय था जो 2618 एलॉय है। ये रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे इस्तेमाल हो सकता है, इसके अंदर निकल होता है 2% कॉपर, 2000 सीरीज है, मेन अलॉयिंग एलिमेंट है, और निकल और आयरन बोथ अराउंड 1% ईच। तो और ये फोर्ज्ड है, फोर्ज का मतलब गुड प्रॉपर्टीज, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये अगेन वही स्लाइडिंग इनकी तस्वीर है, ये वो डफटेल है जिसमें ब्लेड स्लाइड इन और आउट, एक ब्लेड स्लाइड हो रही है, ये अपनी जगह मौजूद है और इसके बीच से रिटेनिंग। पहला सस्पेक्टेड मटेरियल केसिंग हो गया, दूसरा ये ब्लेड्स हो गए जो हमें मिले थे टूटे हुए 16 ब्लेड, और तीसरा ये रिटेनिंग रिंग। रिटेनिंग रिंग का मटेरियल था SS304, क्योंकि रिच कितने थे, आयरन तो है ही इसके अंदर, स्टेनलेस स्टील है, और फिर निकल एंड क्रोमियम इसके अंदर। इसमें देख याद रखिए, इसमें से जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कॉपर मैक्सिमम 2% है इन ब्लेड्स, 2% मैक्सिमम। ठीक है, जहां जहां हमें निकल क्रोम या आयरन की कोई स्मेरिंग मिली है तो वो इसकी वजह से मिली है, जहां मैग्नीशियम और जिंक की मिली है स्मेरिंग तो वो इसकी वजह से मिली है, और जहां इन चीजों के अलावा कोई मिली है तो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो कहां से आई है। डिपॉजिट्स, किस जगह पे कौन से डिपॉजिट मिले स्मेरिंग के, हमने क्या किया, जो चीजें हमें ऑड सी नजर आ रही थी उनको हमने मार्क कर लिया इसके अंदर, कोई दर्जन प्लस जगहों को मार्क कर लिया, और मार्क करने के बाद उनके सैंपल लिए और उनके सैंपल को फिर उनकी एनालिसिस, उनकी एनालिसिस, तो वो जो अनबर्न सेक्शन था कंप्रेसर का, जो कि जिसको आग नहीं लगी थी और ये दूर से मिला था, तो इसकी हमने एनालिसिस। इसकी मुख्तलिफ ग्रूव्स क्या शो कर रही हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, जो ये खुद किस चीज का बना हुआ है, ये खुद ये मैग्नीशियम जिंक एलॉय का है, और जहां जहां रगड़ लगी है वहां क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम मिल रहा है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, आयरन है, और मजे की बात ही कि जहां पर ये ग्रूव्स हैं, जहां रगड़ है वहां तो ये मौजूद है, बस करें ये रगड़ है ना, यहाँ पे यहाँ रगड़ ही रगड़ का निशान है, यहाँ तो है लेकिन इसके करीब चले जाए तो ये गायब है, इसका मतलब ये डिपॉजिट नहीं है, ये रगड़ की जो चीज रगड़ी है उसने छोड़ी ये चीज, ड्यूरिंग सर्विस से भी नहीं हो सकता, ये सर्विस में होता तो यहाँ भी होता। इंडिकेटिंग डिपॉजिट्स वर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच हिट द केसिंग, इस केसिंग को किस चीज ने हिट किया है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस केसिंग को कोई चीज ने आके हिट किया है ना, तो प्राइमरी कॉज क्या हुई, ये हुई कि वो हुई, तो रिच किस में है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की क्या चीज है, ब्लेड्स हैं, क्रोमियम और आयरन कहाँ पर है, रिटेनिंग रिंग में है, सिलिकॉन रिच से आ सकता है, सिलिकॉन का कंटेंट एल्यूमिनियम अलॉयज में भी थोड़ा बहुत होता है। द स्मेयर्ड एलिमेंट्स वर फ्रॉम द थर्ड स्टेज ब्लेड्स एंड रिटेनिंग रिंग, ठीक है ना, जैसे कहा कि ये ब्लेड का मटीरियल है, ये भी प्रोबेबली ब्लेड से आ सकता है, और ये वो चीजें हैं जो कहाँ से आई हैं, वो फ्रॉम द रिटेनिंग रिंग प्रोबेबली। अब थ्योरी क्या बनेगी, हाइपोथेसिस क्या बनेगी, सॉरी, प्रोबेबली ये पोर्शन ऑफ द रिटेनिंग रिंग, सबसे पहले रिटेनिंग रिंग अगर पहले निकलेगा तो ब्लेड का निकलना ऑब्वियस है, ठीक है, या ब्लेड अगर बीच से टूटा है तो रिटेनिंग रिंग का निकलना ऑब्वियस नहीं है, प्रोबेबली ए पोर्शन ऑफ द रिटेनिंग रिंग स्क्रैच्ड बाय द ब्लेड मटीरियल हिट द केसिंग and made the groove, ठीक है, silicon could be from the sand। आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ क्यों नहीं है, तो जाहिर है कि जहाँ groove है वहाँ sand का इम्कान ये कि वहाँ फंस गई हो। दूसरा ये था कि इसके जो fractured regions थे ना, ये टूटी हुई surface है इसकी, जो fractured हुई है जो during accident, ये fractured surface है during accident, इसके मुख्तलिफ जगहों से section लिए गए और उनकी fractography की गई। ये एक टेक्स्ट बुक तस्वीर है जिसमें के फ्रैक्चर सरफेस पे ये निशान नजर आ रहे हैं, ऐसे निशान जो वी की शेप के होते हैं इनको कहते हैं शेवरॉन पैटर्न्स। तो डिफरेंट फ्रैक्चर सरफेसेस वर स्टडीड, इसकी केसिंग की
वेल डेवलप्ड इंटरमिटेंट शेवरॉन पैटर्न्स वर ऑब्जर्व्ड। इस किस्म की डायरेक्शन ऑफ क्रैक प्रोपगेशन इंडिकेटेड द क्रैक इनिशिएशन। ये जो इसकी जो नोक होती है वी के पीछे, जो वी का पेंदा होता है वो हमें बताते हैं क्रैक कहाँ से जा रहा है, क्रैक कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम इन शेवरॉन पैटर्न्स को फॉलो करते तो हमें किस तरफ ले जाता, क्रैक पहले कहाँ से शुरू हुआ। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द एरिया विच वॉज क्लोज टू द थर्ड स्टेज टर्बाइन, और वहां से ये स्टेज वन की तरफ प्रोपोगेट हुआ ये क्रैक। ठीक है, आपका सवाल ये होगा कि शेवरॉन पैटर्न हमने अभी नहीं पढ़े, तो प्रॉब्ली दैट वी विल कवर इन अपकमिंग फ्यू लेक्चर्स के बाद। ये स्टडी खत्म कर ले, फिर इसको भी देख ले। जो पैटर्न शेवरॉन पैटर्न उनकी अपना एक इनकी डिटेल होती है, ये डिसकंटिन्यूस ग्रोथ को शो करते हैं। मजीद ये कि अगर इधर से भी क्रैक और इधर से भी क्रैक और इधर से भी कई जगह से क्रैक प्रोपोगेट हुआ है, एक कई जगह से चीजों ने हिट किया है, तो मल्टीपल क्रैक क्रैक इनिशिएशन, अल्टीमेटली जाके वो एक मेन क्रैक फ्रंट में मर्ज हो जाता है। ये पैटर्न इसमें नजर आए थे, पैटर्न्स इंडिकेटेड डिसकंटिन्यूस ग्रोथ जो कि शेवरॉन पैटर्न का अपना होता है। मजीद मल्टीपल क्रैक इनिशिएशन अल्टीमेटली मर्जिंग इंटू वन मेन क्रैक फ्रंट। Typically, cracks grow in this way in moderately brittle material, which is this probably? जो 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 जिनमें brittleness और थोड़ी ductility हो, थोड़ी बहुत ductility हो, basically brittle हो, chevron patterns वहाँ मिलते हैं। Third stage plate। जो screw-like scratches थे, इनमें अब क्या किया हमने कि जो screw के दरमियान जो खला है, जैसे दांतों के दरमियान होता है, तो चीजें कहाँ फंसती, जहाँ खला ज्यादा होता है या कम होता है? जहाँ कम होता है वहाँ चीज फंस के मुश्किल से निकलती है। तो जो हमारी अटेंशन थी वो थी जो फाइनर खला थी, जो फाइनर गैप्स थे, तो वहाँ जो चीज भी रगड़ खा के गई होगी उसने अपने नुकसान, अपने जो माँ वो है, अपने असरात छोड़े होंगे, उनको हमने खोल के उनकी एनालिसिस उन पे तवज्जो दी। जो नाइदर द पिच, यहाँ पे इस कटने की पिच थी, नॉर जो मटेरियल यहाँ से स्मेयर्ड मटेरियल्स मिले वो उनसे मैच कर रहे थे जो ब्लेड के बेसिक मटेरियल, सॉरी जो स्क्रू कंप्रेसर रीजन में इस्तेमाल हो रहे थे, उन स्क्रूज की पिच भी इनसे मैच नहीं कर रही थी, और उन स्क्रूज की जो मटेरियल था वो भी यहाँ स्मेयर्ड मटेरियल में नजर नहीं। High concentration of magnesium and zinc were found in general. Nickel and iron were also detected. तो ये भी क्लियर है कि ये चीजें जो थी केसिंग का अपना केसिंग मटीरियल से आ रही थी और ये चीज रही से। तो सारा खेल इन्हीं तीनों चीजों का था, ब्लेड का मटीरियल, रिटेनिंग रिंग का मटीरियल और केसिंग का मटीरियल, आपस में चीजें एक दूसरे से टकरा के फिर मल्टीपल उनके इम्पैक्ट्स हुए। It seems that a broken piece of retaining ring was first scratched by the casing and then hit the blades, making the cuts. ठीक, sequence again वही बनती है सबसे आसान। जो इनकी fractured surface थी वो क्या थी? हमने ये किया कि ये fractured surface ले ली, कई हमें कई blade मिले थे stage three के, फिर क्या किया कि हमने stage three के कुछ blade लेके उनको खुद fracture किया। कैसे किया? Overload से, उनको voice में पकड़ के जोर से उनको कोई चीज मारी, तो जो ये बेंडिंग नजर आ रही है यहाँ पे डिफॉर्मेशन पार्टली, तो वो जो बेंडिंग और ये जो इसका पैटर्न था वो बहुत मैच कर रहा था। दूसरे लफ्जों में जो रिट्रीव हुई सरफेस एक्सीडेंट से उसका जो कॉन्टूअर्स हैं और उसमें यहाँ जो डेफॉर्मेशन है वो मैच कर रही थी उन लैब एक्सपेरिमेंट से जो कि ओवरलोड की कंडीशन में हमने। The features on the blade resembled those samples which were tested in the lab by applying impact loading. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लेड्स टूटे हैं, ये जो सब्सिक्वेंट डैमेज हुआ है, जो कंप्रेसर रीजन में जब तोड़फोड़ हुई है, बेसिकली कहीं प्रॉब्लम इनिशिएट होने के बाद जो तोड़फोड़ हुई है उसका नतीजा, ये ओवरलोड है, इम्पैक्ट है। वन ब्लेड बर्न्ड एंड फाउंड इंटैक्ट, इसके अंदर से जो रिट्रीव हुआ है, इट आल्सो शोड सिमिलर फीचर्स। ठीक, कंक्लूजन क्या है कि ब्लेड फेल्ड या फ्रैक्चर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सबसिक्वेंट डैमेज, सेकेंडरी डैमेज, और प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर ब्लेड नहीं था।
ब्लेड नहीं था पैर। अब रह गई बात रिंग की, ठीक है ना, तो जो इसमें चीजें स्मेयर हुई थी वो थी जो चीजें मिली हैं मैग्नीशियम और जिंक जो केसिंग से आए थे, और ये चीजें जो कि इसके अंदर स्मेयर हुई थी जो कि ब्लेड से आई। बाज जगहों पे कॉपर कंसंट्रेशन वाज वेरी हाई, जो कि इस इलाके में किसी चीज किसी मैकेनिकल कंपोनेंट की नहीं थी। कुछ आइसोलेटेड जगहें थी जहां से हमें जिंक, लेड और एंटीमनी, ये सब ऑड से एलिमेंट्स, ज्यादा इस पे तवज्जो दी तो पता ये चला कि कोई भी प्रोमिनेंट पार्ट तो इंजन का इन चीजों को नहीं रखता, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं खुसूसन जो कनेक्टर्स होते हैं वो कॉपर, जिंक, लेड, व्हिच इज लेड एंड हाई कॉपर एंड जिंक से बने हुए होते हैं, और जो इनके दरमियान सोल्डरिंग मल्टी मटीरियल उसमें एंटीमनी होता है। तो प्रोबेबली इस किस्म के जो डिपॉजिट्स थे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो थे उस इलाके में ये वहां से प्रोबेबली आए। स्मेयरिंग क्लियर हो गई। मजीद ये कि अब इनका सेक्शन लेके इनके अंदर मटेरियल को भी चेक किया कि रिटेनिंग रिंग के अंदर क्या सूरत हाल है, जो कि हमने फ्रेशली फ्रैक्चर किया था वायर जो रिट्रीव हुआ था एक्सीडेंट से, उसको फ्रैक्चर किया और एनालाइज किया फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस। तो जो खींच के देखा था वो क्या था, अब जाहिर है उसको तो टेंसाइल लोडिंग दी है ना, तो उसमें कप्स बने और कप्स रिच किस में थे, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये कौन सी चीजें हैं, ये सिलिकेट्स हैं, रिच इन इंक्लूजन विच आर सिलिकेट्स या एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, और बाज जगहों पे इलोंगेटेड मैग्नीशियम सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स भी मिले। तो रिंग मटीरियल जो था उसमें इंक्लूजन मौजूद थे और पॉसिबली ये इंक्लूजन जो थे ये सिलिकेट। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपने से दो स्टूडेंट्स ने इसकी फेलियर इसकी स्टडी की, उन्होंने ये वाला पेपर लिया था जिसमें इन इंक्लूजन्स की स्टडी की थी जो इस एक्सीडेंट के रिटेनिंग रिंग से हमने देखे थे, जो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको ख़त्म कर लें तो उसको डिस्कस करेंगे उस पेपर को। फैक्टोग्राफी, जो ब्रोकन पीस रिटेनिंग रिंग का मिला था उसमें क्या था, उसकी सरफेस डिपॉजिटेड थी, बर्न थी, तो उसको क्या किया है, उसको बहुत ही आपने वो तरीका हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो फायर डिपॉजिट्स होते हैं या ऑक्सीडेशन डिपॉजिट्स होते हैं उनके उनसे सरफेस को कैसे क्लीन किया जाता है, तो वो क्लीन अतुल इम्कान किया। बहुत से फीचर्स ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हुए होंगे बर्निंग के दौरान भी और सब्सिक्वेंट क्लीनिंग के दौरान भी। तो बहरहाल इसकी जो पॉस्चर था वो तो अपनी जगह रहा ना, सरफेस बेशक डिस्ट्रॉय हुई हो, ये फ्लैट रीजन यहाँ पे विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच वाज टेस्टेड इन ओवरलोडिंग इन द लैब, फ्लैट रीजन, और उसके बाद ये इसके शेयर रीजन, फ्लैट फ्रैक्चर सरफेस इसकी विच वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीमीटर। ये सरफेस थी इसकी क्योंकि एसिड से वॉश आउट हुआ था तो काफी वॉश आउट हुई, लेकिन अब भी यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, थंब नेल पैटर्न जो फटीक के पैटर्न होते। मजीद ये कि ये देखें कि ये पैटर्न लिंक अप हो रहे हैं, इसके एक्सिस जो बाहर की सरफेस पे स्क्रैचेस है ना इससे भी मैच कर रहे हैं, ये पैटर्न इससे भी मैच कर रहे हैं। द फ्रैक्चर सरफेस क्लीनिंग वाज डन वेरी केयरफुली टू रिमूव द डेब्रे एंड ऑक्सीडाइज लेयर, और उसके बाद जो कुछ हमें ये पैटर्न नजर आए थंबनेल वो क्रैक की ग्रोथ हुई, फ्लैट रीजन है इसके क्रैक की ग्रोथ को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका इसी का एक लॉन्गिट्यूडनल, ये जो रिट्रीव पार्ट है इसका लॉन्गिट्यूडनल, ये वाले जो स्क्रैचेस हैं वो यही कंटिन्यू हो रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, ठीक। ये वाला एक्स अलोंग द एक्सिस था इसकी जो वायर की बाहर की सरफेस थी, और फ्रैक्चर सरफेस पे ये वाली लाइन आ रही है आई मैगिस की। फ्रैक्टोग्राफी, अगला हमने काम किया क्या है, ये रिटेनिंग रिंग एक लिया थर्ड स्टेज, और उसको हमने लेबोरेटरी में डिफरेंट स्ट्रेस मोड्स के में चेक किया, उसको हमने टेंसाइल लोडिंग दी तोड़ा, इम्पैक्ट लोडिंग दी तोड़ा, और उसको हमने फटीक टेस्टिंग भी की उसकी, उसको साइक्लिक लोडिंग दी और फिर तोड़ा। तो जिसकी साइक्लिक लोडिंग थी ये उसकी उसमें देखें सरफेस उसकी ये फ्लैट सरफेस और ये आकर का शेयर्ड रीजन, तो सिवाय इसके कि जो फाइनल रप्चर था शोड अ फ्लैट रीजन। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर इससे डिफरेंट ये चीज है, ये चीजें फ्रैक्चर सरफेस में नहीं थी इस किस्म का एक बैंड, लेकिन यहाँ पर
ये हॉरिजॉन्टल स्क्रैचेस और ये थंब लेन पैटर्न, ये वो था जो लैब में फटीग टेस्टिंग करके तोड़ा गया था। अरे जो हमारी साइक्लिक लोडिंग थी वो तो नहीं थी जो जहाज में हुई होगी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा, लेकिन मार्कली सिमिलैरिटी इन लैब टेस्टेड एंड इन एक्चुअल एक्सीडेंट जिसका हुआ उसका उसके पैटर्न। ऑन कॉन्ट्ररी जो सीधा हमने टेंसाइल लोडिंग से तोड़ा वो बिल्कुल उसमें शार्प डेफॉर्मेशन, देखें यहाँ डेफॉर्मेशन बहुत लोकली है, सिर्फ आखिर में जहाँ रप्चर हुआ है यहाँ कोई डेफॉर्मेशन, यहाँ शार्प डेफॉर्मेशन है, नेकिंग है। और जो इम्पैक्ट लोडिंग्स है उसके अंदर भी बेंडिंग भी है और रफ सरफेस है, फ्लैट सरफेस नहीं। तो दिस वेरी वेरी क्लियरली वेरी कंक्लूसिवली ये कहाँ रिलेट कर रहे हैं, फ्रैक्टोग्राफी ऑफ द रिटेनिंग रिंग eliminated the possibility of its failure during or after the accident. Marked similarity existed between specimens failed due to fatigue in lab and the one retrieved from the accident. Marked similarity. Retaining ring failed due to fatigue over a period of time and caused subsequent damage. ठीक? Fractography conclusively साबित हुई। इसमें regions ने क्या किया? हमें link किया है। प्रॉबेबली प्राइमरी डैमेज शायद यहीं से शुरू हुआ हो, ये पहले टूटी फिर टर्बाइन ब्लेड निकला, टर्बाइन ब्लेड निकला तो फिर केसिंग का डैमेज हुआ और फ्रैक्चर सरफेस ने इसको कंक्लूडली एग्जिबिट भी कर दिया। द प्रॉबेबल सीक्वेंस ऑफ फेलियर यही था कि सबसे पहले ड्यू टू फटीग ये टूटा है, गॉट स्टक बिटवीन द केसेस एंड द केसिंग एंड द ब्लेड, इसके स्क्रैचेस भी मिले और फिर ब्लेड स्लाइड इन हुआ और जो स्लाइड आउट होके उसने फिर हिट किया, ग्रूव्स बनाए केसिंग्स में और फाइनली फिर चीजें जो थी वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर की तरफ चली गई। जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि जब इस रिंग की एक लाइफ थी तो ये पहले क्यों प्रायर टू इट्स एंटिसिपेटेड सर्फेस लाइफ, इसकी मेटलॉजिकल स्टडी रिवील्ड दैट मटीरियल हैड इनहोमोजेनिटी और क्या है अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर एलोंगेटेड बैंड्स ऑफ डिफेक्ट्स इट रिजल्टेड इन सरफेस क्रैक व्हेन इट वाज स्ट्रेन, और कोई डीपर क्रैक होगा जो इसका इनिशिएशन साइट।